खबरों में बीकानेर में आज पशु चिकित्सा क्षेत्र में खुशी की खबर। जी हाँ, भारत में पहली बार विट्रीफाइड यानी फ्रोजन भ्रूण प्रत्यर्पण तकनीक से पहली बार घोड़े का बच्चा पैदा। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र के बीकानेर परिसर के वैज्ञानिकों ने आज विट्रीफाइड फ्रोजन भ्रूण स्तनिक के माध्यम से देश का पहला घोड़े का बच्चा पैदा किया। यह जानकारी देते हुए केंद्र के प्रभागाध्यक्ष डॉक्टर एस सी मेहता ने बताया कि इस बछड़े का नाम राज शीतल रखा गया है। बछड़ा स्वस्थ है एवं उसका जन्म का वजन 20 किलोग्राम है। इस बछड़े के उत्पादन के लिए घोड़ी को जमे हुए वीर्य यानी फ्रोजन सीमन से गर्भित किया गया और भ्रूण को 7.5वें दिन फ्लश कर अनुकूलित क्रायो डिवाइस का उपयोग करके विट्रीफाई किया गया और तरल नाइट्रोजन में जमाया गया यानी फ्रीज किया गया। पूरे 2 महीने के बाद भ्रूण को पिघलाया गया और गर्भावस्था प्राप्त करने के लिए सिंक्रोनाइज्ड सरोगेट घोड़ी में स्थानांतरित किया गया। यह उपलब्धि केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर टी राव तालुड़ी एवं टीम जिसमें डॉक्टर सज्जन कुमार, डॉक्टर आर के देदड़, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर एम कुट्टी, डॉक्टर एस सी मेहता, डॉक्टर टी के भट्टाचार्य एवं श्री पासवान सम्मिलित थे। इनके अनुसंधान से प्राप्त हुई इस टीम ने आज तक मारवाड़ी घोड़े के 20 भ्रूण और जांचकारी घोड़े के 3 भ्रूणों को सफलतापूर्वक विट्रीफाई किया है। ज्ञात रहे कि भारत में घोड़ों की आबादी तेजी से घट रही है। 19वीं और 20वीं पशुधन गणना 2012 से 2019 के आंकड़ों से पता चला है कि इस अवधि के दौरान देश में घोड़ों की संख्या 52.71% की कमी आई है। इसलिए स्वदेशी घोड़ों की नस्लों के संरक्षण के लिए तत्काल उपाय करने की आवश्यकता है एवं इसी प्रयास में यह केंद्र देश के बहुमूल्य स्वदेशी घोड़ों की नस्लों के संरक्षण के लिए अथक प्रयास कर रहा है। वीर्य क्रायो प्रिजर्वेशन, फ्रोजन सीमन, कृत्रिम गर्भाधान, भ्रूण प्रत्यर्पण और भ्रूण क्रायो प्रिजर्वेशन जैसी प्रजनन तकनीकों का प्रयोग विभिन्न पशु प्रजातियों के संरक्षण में बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है। बहुत ही हर्ष का विषय है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के इस केंद्र ने घोड़ों में इन सभी तकनीकों को परिपूर्ण और मानकीकृत किया है। संस्थान ने हाल ही में मारवाड़ी और जांचकारी घोड़ों में फ्रेश एवं फ्रोजन वीर्य का उपयोग करके भ्रूण प्रत्यर्पण से सफलतापूर्वक बच्चे पैदा किए हैं। इसी क्रम में आज फ्रोजन भ्रूण के प्रत्यर्पण से स्वस्थ खिली पैदा करने में सफलता प्राप्त की है। वैज्ञानिकों की टीम को बधाई देते हुए ICAR NRCE के निदेशक डॉक्टर टी के भट्टाचार्य ने कहा कि यह तकनीक समय की मांग है क्योंकि यह तकनीक देश में घोड़ों की घटती आबादी की समस्या से निपटने में मदद करेगी और भ्रूण के क्रायो प्रिजर्वेशन की इस तकनीक से भ्रूण को उपयोग के स्थान पर आसानी से ले जाया, निर्यात और आयात किया जा सकता है और जब भी संभव हो प्रत्यारोपित किया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने विस्तार से बताया कि घोड़ों के लिए यह देश में अपनी तरह की पहली उपलब्धि है। इस अवसर पर ICAR NRCE बीकानेर के प्रभागाध्यक्ष डॉक्टर एस सी मेहता ने वैज्ञानिकों की टीम को बधाई दी और देश में श्रेष्ठ अश्वों के संरक्षण
और संवर्धन के लिए इस तरह की उन्नत और उपयोगी तकनीकों के विकास पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस तकनीक के प्रयोग से अच्छे घोड़ों के बच्चे 10 से 20 अथवा कई वर्षों बाद भी जरूरत के अनुसार पैदा किए जा सकेंगे एवं यह तकनीक देश में अश्व संरक्षण में एक मील का पत्थर सिद्ध होगी। उन्होंने वैज्ञानिकों को और अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित किया एवं उनकी सफलता की कामना की। आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं खबरों में बीकानेर। देखते रहें, दिखाते रहें, सुनते रहें, सुनाते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। खबरों में बीकानेर।